हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पांडे पेट्स एंड गार्डनिंग में। दोस्तों, आज हम आपके सामने गुलाब की एक बेहद खूबसूरत वैरायटी लेके आए हैं और इस गुलाब का नाम है डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल। और आप इस गुलाब को देखिए, मल्टी कलर में ये बहुत ही खूबसूरत गुलाब है। वाइट, क्रीम और पिंक कलर का ये गुलाब है और ये डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल के नाम पे ये गुलाब है। डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल राजघराने की एक प्रिंसेस थी जो कि अपने समय में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा फेमस लेडियों में से एक थी, तो उनके नाम के ऊपर ये गुलाब है। आप उनकी बायोग्राफी भी पढ़ें, बहुत ही अच्छी उनकी बायोग्राफी है, उसका लिंक भी अगर हुआ तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये गुलाब मल्टी कलर में बहुत अच्छी वैरायटी है, स्लो ओपनिंग है और जब ये खिलता है उस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है। माइल्ड इसमें फ्रेग्रेंस है और इसको डॉक्टर के डब्ल्यू जेरी ने 1998 में ब्रेड किया था। और इसका जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है, 5 इंच का इसका साइज़ है, तो काफ़ी बड़े गुलाबों में से ये है। पेटल्स भी इसमें 26 से 40 है और माइल्ड इसमें फ्रेग्रेंस है, तो मल्टी कलर में एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है। स्लो ओपनिंग है, बस ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, 1 हफ्ते तक ही इसका गुलाब रहता है और 1 हफ्ता भी मैक्सिमम है, उससे पहले इसके पेटल्स गिर जाते हैं। तो आप इसको, इसके कलर, इसकी माइल्ड फ्रेग्रेंस और इसका जो शेप है उसके लिए आप इसे ले सकते हैं। और जो इसका बेस है वो काफ़ी थॉर्नी है, कांटों वाला ये गुलाब है, बहुत ज़्यादा इसमें कांटे रहते हैं, पर इसका जो कलर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। धीरे धीरे ये कलर फेड हो जाता है, पर जिस टाइम ये खिलता है और खिलने के बाद इस पोजीशन तक आने में कलर चेंज भी करता है, खिलते टाइम ये थोड़ा लाइट होता है, धीरे धीरे इसके एजेस डार्क हो जाते हैं। और ये देखिए, जो इसका बड वाला पार्ट है ये पूरा थोरनी है, यहाँ पे भी कांटे रहते हैं। तो आप इससे लोकल नर्सरी में इसके कलर से और इसके जो ये थॉर्न है उससे पहचान सकते हैं और लाइटली इसमें फ्रेग्रेंस है उससे भी आप पहचान सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको ये ख़रीदना है तो ये मैंने पुष्पांजलि अशोक से ख़रीदा था, तो आप ऑनलाइन भी इस गुलाब को परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि कलर, शेप और लाइटली फ्रेग्रेंस के लिए आप इसे रखें, लॉन्ग लास्टिंग गुलाब ये नहीं है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और गुलाबों के ऊपर हमारे और भी कई वीडियो हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट है रोज सीरीज़ करके, तो आप उसमें भी जो जो गुलाब है उनको देख लें, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आप जितना लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये और लोगों तक भी पहुंचेगा, और वीडियो को शेयर भी कर दें, जो जो भी आपके फ्रेंड गुलाब के शौकीन हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और ज़रूर इस वैरायटी को अपने गार्डन में ऐड करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए गुलाब के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग, बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।